तो परिस्थितियां अभी देश के अंदर हैं, जो परिस्थितियां अभी पूरे विश्व के अंदर हैं, वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि कोरोना जो कि दूसरे स्ट्रेन में एक बार फिर से हमको परेशान कर रहा और बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा। इंडिया न्यूज ओपीडी एक बार फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए और क्या है ब्लैक फंगस, ये बीमारी क्या है और कितनी खतरनाक है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक पैनल होगा, जिनसे आप सीधी वार्ता करेंगे और कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। अगले एक घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 0116136207 पर फोन करके उन तमाम डॉक्टरों से सीधा संवाद करेंगे। आपकी जो भी शंका है, शिकायत है, उनसे आप बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच में अब ब्लैक फंगस नामक जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक स्थिति में फिर से आ चुकी है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी उसकी एंट्री हो चुकी है। इस बीमारी में मुख्य रूप से चार विंग, ENT, नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन इन्वॉल्व होती हैं। ब्लैक फंगस तेजी के साथ आंख और दिमाग की कोशिकाओं पर अपना असर डालता है। ये ब्लैक फंगस है क्या, ये कैसे फैलता है, इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर्स का सजेशन क्या होगा, इसके लिए हम ओपीडी में उन तमाम डॉक्टरों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ से न्यूरोसर्जन डॉक्टर नागेश वाष्णेय जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही इटावा से फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और झांसी से होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर नागेश वाष्णेय आपका और डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपका। सर, सबसे पहले नागेश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि एक तरफ कोरोना की महामारी और उसमें बदलाव म्यूटेशन वायरस के अंदर, वो अपने आप में कई विषम परिस्थितियां पिछले दिनों में पैदा करके जा चुका है, लेकिन अब ब्लैक फंगस और ज्यादा डरा रहा, एक आम व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि असल में ये काला जादू है क्या, ये ब्लैक फंगस क्या है और इससे बचाव क्या है, सिम्टम्स क्या है। जो म्यूकर माइकोसिस, जो ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, वो एक काफी खतरनाक बीमारी है और ये जो खून की नसें होती है जो सप्लाई करती है उनको इन्वॉल्व करके हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें फैलने लगता है और खासकर ऐसे मरीज जो डायबिटीज है या स्टेरॉइड ले रहे हैं या ऑलरेडी उनका कुछ ट्रांसप्लांट वगैरह पहले से हो रखा है, कुछ कैंसर की मरीज हैं, उनमें इस टाइप की बीमारी होने की संभावना काफी है। नागेश जी, चूंकि आप न्यूरोसर्जन है और जैसा आपने भी कहा और हम भी बता रहे थे कि जो ब्लैक फंगस है उसका असर खासतौर पर आंखों में या फिर कहें कि जो हमारे न्यूरो सिस्टम है उस पर ज्यादा असर, कोशिकाओं पर ज्यादा असर पड़ता है, किस तरीके से ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, चूंकि इस वक्त कोरोना के वजह से और कई मरीजों को स्टेरॉइड देना जरूरी है, उनको वो दवाएं देना जरूरी है, ऑक्सीजन लगातार लगाकर रखना जरूरी हो जाता है, कुछ सिम्टम्स उनको देखते हुए वहां पर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं बेसिकली हमारे चेहरे पे आँख के आसपास का एरिया होता है साइनस, जो चेहरे को हमारे ब्रेन की हड्डियों को हल्का जिन्हें बोलते हैं भाषा में साइनस और नेजल कैविटी, इसके थ्रू इसके संभावना काफी ज्यादा होती है और काफी मरीजों में नेजल डिस्चार्ज, सर्दी जुकाम, ये वाले सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ लोगों में, अभी हमारे पास एक मरीज भी था, पोस्ट कोविड था, तो उसमें आँखों के नीचे जो कालापन है, कालापन आने लगा स्किन में, फंगस की निशानी के हाथ कालापन आ रहा है, नाक से खून आने की संभावना, चेहरे पे सूजन आती है, तो ये सब मोटे मोटे सिम्टम है। बाकी तो जब भी कोई दिक्कत होती है तो नियर बाई आपको जिस तक को दिखाना पड़ेगा वो और ज्यादा उसको गहराई से देखेंगे और क्लियर होगा। ठीक है नागेश जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव भी है, फिजिशियन सर्जन इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो नागेश जी ने कहा अमिताभ जी, उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं ब्लैक फंगस के बारे में, और एक आम व्यक्ति के लिए जो कि मेडिकल की दुनिया को बहुत नहीं जानता है, बहुत नहीं समझता है, वो किस तरीके से इससे अपने आप को अलग रखे या बचाव कर पाए, क्योंकि कई ऐसी खबरें आ रही हैं और कई तो भ्रामक खबरें हैं सोशल मीडिया पर कि उसकी वजह से ये हो जाता है, वो हो जाता है, सही और सटीक जानकारी क्या है उसके लिए। अटल जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत शानदार आवाज आ रही है, बोलिए। मेरे साथ आपकी आवाज नहीं आ रही है? चलिए, मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है, बिल्कुल शानदार नहीं जा रही है। अमिताभ जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पीसीआर टीम जरा दुरुस्त कर दे इस दिक्कत को। नागेश वाष्णेय साहब,
दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज जो ओपीडी लगाता है, हमारा मकसद यही है कि सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचे। बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा उसमें योगदान देता है, नकारात्मकता, और कोरोना से लड़ाई में सकारात्मकता ही सबसे जरूरी है। पॉजिटिव होना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, और अगर आप खुद कोरोना से भी पॉजिटिव हो गए तो भी पॉजिटिव तरीके से लड़ाई लड़ना, यह चुनौती हम सबके लिए है, आप लोगों के लिए है। किस तरीके का माइंडसेट आप देख पा रहे हैं एक आम व्यक्ति में? इस बार चूंकि कोरोना ग्रामीण अंचल में भी उतना ही प्रकोप बरसा रहा, वहां तक भी वो दखल दे चुका है, वो अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती है। नागेश जी? जी बताइए सर। नागेश जी मेरी आवाज नहीं गई आप तक? आ रही है सर। नागेश जी मेरा सवाल यही था कि कोरोना, ब्लैक फंगस, ये सारी चीजें, इनसे हम सबको लड़ना है। इस बार चूंकि कोरोना के सेकेंड वेव में अगर हम देखें तो ये दायरा बढ़ चुका है ग्रामीण अंचल में। भारत जो कि ग्रामीण अंचल से ही ज्यादा पहचान रखता है, एक बड़ा वर्ग वहीं पर निवास करता है, और वहां पर इस तरीके से उसका प्रकोप होना या फिर कोरोना का एक तरीके से वहां एंट्रेंस हो जाना, ये चुनौती बढ़ाता है। वहां पर भ्रम और भ्रम के बीच में लोग कुछ छिपा लेते हैं या फिर डर में आ जाते हैं, ये आप खुद कितना महसूस कर रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है? जी, खासकर गांव में, चूंकि अभी हम जानते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का बहुत अच्छा नहीं है जी। आपने देखा होगा अधिकतर गांव के जो मरीज हैं अपने लोकल डॉक्टर होते हैं, जिन्हें आप हम कह सकते हैं झोला छाप डॉक्टर, उन पर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो हमें इस बारे में ज्यादा से ज्यादा गाँव में चेतना फैलानी होगी कि ऐसे कोई भी सिम्टम लगे, आँख के नीचे कालापन आ रहा है, चेहरे पे कालापन आ रहा है, चेहरे पे सूजन आ रही है, या बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, दोनों आंखों में सूजन ऐसे आती है कि हमारी आंखें ऐसा लगता है कि बाहर निकल आई है, यदि ऐसे कोई भी सिम्टम हो तो वो झोला छाप या आसपास डॉक्टर को दिखा के किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं जो स्थिति को समझ सके और जल्दी से जल्दी उसका इलाज कर सके। ठीक है अमिताभ जी, मेरी आवाज अब आप तक आ रही है? हाँ, कुछ आ रही है, पहले से बेटर है। चलिए, थोड़ा सा सुधार हुआ है कोरोना से लड़ाई में भी, थोड़ा सा सुधार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले एक घंटे में आप तक मेरी आवाज बिल्कुल सही पहुंचेगी और आप भी अपनी बात रख पाएंगे। डॉक्टर अमिताभ, सबसे बड़ा जो सवाल यह है जो मैं पूछ रहा था नागेश जी से, भी आप खुद भी कह रहे हैं चुनौती बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, और ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचल में कोरोना ने इस बार जो दखल दिया उसमें वजह चाहे जो रही हो, कुछ लोग कहते हैं पंचायत चुनाव है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भेदभाव है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक आम व्यक्ति ने भी ये मान लिया था कि अब तो कोरोना खत्म हो गया और इस वजह से कोरोना का इस बार इस तरीके का असर दिखाई दिया है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहे शहर के हों या गाँव के हों, जो घर में आइसोलेट होकर घर में रहकर दुरुस्त हो जा रहे हैं। एक अच्छा परसेंटेज उन्हीं का है, लेकिन फिर भी पैनिक वाली सिचुएशन कई बार आ जाती है, उनके लिए क्या सजेशन आपका होगा एक दूर दराज के व्यक्ति के लिए, एक गांव के व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, उस पूरे गांव के लिए? अतुल जी, ये इस टाइप से थोड़ा साउंड आ रहा है, तो ये डबल साउंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका सवाल पूरी तरह। ठीक है अमिताभ जी, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है सर, इस बार ग्रामीण अंचल तक भी बहुत बुरी स्थिति हो गई है, सरकार कोशिश कर रही है, आप जैसे डॉक्टर तमाम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके की चुनौती देखते हैं और ग्रामीण अंचल के लिए खासतौर से आपका क्या सजेशन है ताकि वो व्यक्ति पैनिक ना हो, उसका परिवार पैनिक ना हो? जी देखिए, गांव में जो है वो पैनिक होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वहाँ पे अभी इतना कोरोना का प्रकोप पहुँचा नहीं है। कुछ लोग जो बाहर से आए हैं उनको जहाँ तक संभव है उनकी जांचें पहले ही करी जा चुकी हैं और वो ऑलरेडी क्वारंटीन किए जा चुके हैं या उनकी मेडिसिन उन्हें दी जा चुकी है जी। गांव में रहने वालों के लिए थोड़ा सा बेसिक प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, जो सब जानते हैं मास्क लगाएं, हाथ धोएं। हेलो डॉक्टर अमिताभ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप बोलिए। हाँ, तो मास्क लगाएं, हाथ धोएं,
और हमारे गांव में तो एक चलन है कि बाहर से जब आते हैं तो जूता चप्पल बाहर उतार के हाथ मुंह धो के ही अंदर आते हैं, तो उसको दोबारा से शुरू करें तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं समझता कि गांव में लोगों को पैनिक होने की जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें झोला छाप डॉक्टर से इलाज न करा के सीधे क्वालिफाइड डॉक्टर से या संस्था से संपर्क करना चाहिए, कोरोना हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए और जो इलाज बताया जाए वो करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अमिताभ, हमारे साथ आप बने रहिए। सबसे अहम सवाल डॉक्टर नागेश यहां पर यही है कि आप भ्रम की स्थिति में ना रहें, भ्रामक खबरों के बीच में ना रहें, झोला छाप डॉक्टर्स के साथ भी आप संपर्क ना साधें। हमने जो ओपीडी लगाई और हर दिन हम जब ओपीडी में चर्चा करते हैं आप जैसे तमाम खास मेहमानों के साथ जो कि अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, हमारा मकसद यही होता है कि आम व्यक्ति तक सही सूचना पहुंचे। दर्शक भी हमारे साथ जुड़कर अपना सवाल ले सकते हैं, हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं। डॉक्टर नागेश, मैं पिछले कई दिनों से जब चर्चा कर रहा हूं इस पर तो एक आम चीज निकल कर आती है, एक कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिम्टम्स सही तरीके से समझ में नहीं आते, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सिम्टम्स आने के बाद पॉजिटिव होने के बाद भी सही तरीके से उपचार नहीं पा पा रहे हैं या फिर उनको लगता है कि उनको गलत जानकारी मिल गई है। ये स्थिति अब अगर रहेगी तो चुनौती बड़ी है, उसमें चाहे सरकार की गाइडलाइंस हो, आप लोगों की तरफ से प्रयास हो, आप लोग खुद किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं? क्या आप लोगों तक भी ऐसी बात पहुंचती है, मरीज आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं जो कि भ्रम की स्थिति में रहते हैं? जी हाँ, हमारे पास भी ऐसे मरीज आ रहे हैं कि उनको ये दिक्कत हो रही है कि बस मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। कुछ लोगों की खुशबू चली जा रही है, स्मेल की ताकत चली जा रही है, तो उन्हें लगता है कि चलो ये अच्छा हो रहा है कि हाँ शुरू में ही पकड़ में आ गई बीमारी। और कुछ लोग काफी लेट आ रहे हैं, एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कि बुखार आया, सांस फूलने लगी, ऑक्सीजन नापी कम होने लगी। तो अभी थोड़ा सा इस चीज को हमें देखना है। तो मरीजों से मेरी यही वो है संदेश है कि यदि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लगे, सर्दी जुकाम लग रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर टूट रहा है या आंखों में भी दर्द होने लगा है, तो अब आस पास कोई कोविड का मरीज रहा है, सर्दी को सिम्टम है, तो अपने आप बिल्कुल। और हम इसीलिए इस पर चर्चा करते हैं और आपसे भी मैंने स्पेसिफिक सवाल इसीलिए किया था कि बहुत सारे लोग अगर सिम्टम्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं या फिर कहते हैं कि या सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है वायरल हो सकता है, खांसी जुकाम हो, आप नजदीकी अस्पताल जरूर जाएं या डॉक्टर से संवाद जरूर करें। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ बिहार से हरजीत सिंह जुड़ रहे हैं, बताइए हरजीत क्या कहेंगे आप? हेलो बोलिए जी। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि SLE के पेशेंट जो होते हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? कौन से इफेक्ट? SLE के पेशेंट। ठीक है नागेश जी, हरजीत सिंह जानना चाहते हैं कि जो इस तरीके की बीमारी से ग्रसित लोग हैं क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? किस तरीके की? अब मेरी आवाज क्लियर नहीं आई बीच में, एक बार फिर से दोहराइए भाई। हरजीत जी, एस्थमिक, जो अस्थमा के पेशेंट है नागेश जी, असल में उन्होंने यही कहा था कि जो अस्थमिक है, क्या अस्थमा के पेशेंट या उसके साथ में और भी जोड़ देता हूं क्योंकि कई लोग दर्शक हमारे साथ जुड़कर यही सवाल पूछते हैं, वो चाहे बीपी के पेशेंट हो, सुगर के पेशेंट हो, उसके साथ साथ किडनी के प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या स्टंट जिनको लगा हुआ है, या कई लोग एलर्जिक हैं, और उसके साथ साथ एक सवाल जो हरजीत जी का है कि अस्थमिक पेशेंट क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इवन मेरे फादर भी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, मैंने उनको भी वैक्सीन लगवाई थी, तो उनकी दो डोज लग चुकी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ले सकते। हरजीत जी आप बिल्कुल अधिकृत हैं, आप वैक्सीन जरूर लीजिए। जो सिम्टम्स होते हैं इस तरीके की बीमारियों में वो ठीक है, उनका उपचार चल रहा होगा, लेकिन वैक्सीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप जरूर वैक्सीन ले सकते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो कि इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझे, आप बीपी के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, उसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक के अलावा अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एलर्जी है और एलर्जी की वजह से भी उनके अंदर ये डर है, भय है या शंका है कि वो क्या ले सकते हैं ये वैक्सीन या नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर्स बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल आप वैक्सीन ले सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई शंका हो तो आप नजदीकी किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको सही सलाह जरूर देंगे। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? हाँ जी अब आ रही है जी। अमिताभ जी देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर भी भ्रम है, एक लड़ाई है कि वैक्सीन मिल नहीं रही, एक लड़ाई वो थी
जब कोरोना काल के बीच में भारत के अंदर ही वैक्सीन बन गई और वैक्सीन सप्लाई होना शुरू हो गई, लोगों के अंदर वो उत्साह नहीं था या लोगों के अंदर ये भाव आ गया था कि नहीं अब तो कोरोना ऑलमोस्ट जा रहा है, वैक्सीन तो आई गई, हम ठीक हो चुके हैं, आज वो मारामारी कर रहे हैं कि वैक्सीन चाहिए ही चाहिए। और उस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डर, भ्रम या फिर शंका की वजह से वैक्सीन की तरफ नहीं जा पा रहे। देखिए, ये एक दुर्भाग्य की बात है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीमारियों के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर जिस तरह की राजनीति की गई है वो हम सब ने देखा है, उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन एक तो बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जी, दूसरा उसको इतने बड़े पॉपुलेशन में लगाना एक दूसरी बड़ी चुनौती है, और ये अच्छी बात है कि उस चुनौती का सामना हम काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, काफी संख्या में वैक्सीन बन रही हैं और लग भी रही हैं, और भी कुछ करना होगा तो वो भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो ये भ्रम की बीमारी है या जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भ्रम की स्थिति पैदा करी कि तो फलानी वैक्सीन है या इससे नपुंसकता हो जाएगी या इस तरह की जो बातें की गई, उनसे जरूर इस मुहिम को थोड़ा नुकसान हुआ है। अमिताभ जी आप चूंकि डॉक्टर हैं, आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज के इस रवैये की वजह से आप उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपको भी तकलीफ है और आपको भी लगता है कि हाँ बड़ा झटका इस मुहिम को लगा है, क्या वाकई ये, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को समझे, क्या वाकई एक बड़ा इफेक्ट इस वजह से भी आया क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि, वो किसी भी पार्टी को, मैं किसी स्पेशली एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी पार्टी को, अगर उन्होंने वैक्सीन को लेकर, उसके बनने को लेकर, उसके प्रोसेस को लेकर या भारत की वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा किया, ये ठीक वैसा ही जा रहा है जो लड़ाई हमने पोलियो उन्मूलन में भी लड़ी थी, पोलियो की दो बूंद पिलाने के लिए भी वो लंबी लड़ाई कई सालों तक चली थी। जी जी बिल्कुल, अमिताभ जी आपकी बात की थोड़ी सी बात मेरे को सुनाई नहीं दी, बीच में ऑडियो चला गया था। हेलो, बोलिए, जितना सुनाई दिया सर उसका ही जवाब दे दीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि पोलियो के खिलाफ हम लोगों ने एक लड़ाई जरूर लड़ी थी और काफी हम लोगों को समय लगा था, क्योंकि मैं यहाँ इटावा में आईएमए में भी संबद्ध हूँ, उन दोनों सेक्रेटरी हुआ करता था, हम लोगों ने काफी एफर्ट करे थे, कैंप्स लगाए थे और लोगों को मोटिवेट करके पोलियो ड्रॉप पिलवाई थी, तो जरूर एक अच्छी चीज थी। आज पोलियो का उन्मूलन हो चुका है हम ऐसा मानते हैं, और एक एफर्ट था जो किया गया। पोलियो जैसी ही एक खास बात इस कोरोना में भी है कि इसको ह्यूमन होस्ट चाहिए, तो ऐसे में अगर हम एक वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन इफेक्टिवली कर लेते हैं तो इस पे भी हम उसी तरह से काबू पा सकते हैं जैसा कि हमने बीते समय में स्मॉल पॉक्स और पोलियो पर पाया। ठीक है, हम उम्मीद जरूर करते हैं क्योंकि आशा की जो किरण होती है वो उम्मीदों से ही बनती है, और जैसा आपने अमिताभ जी कहा कि आप पोलियो उन्मूलन के दौर में भी एक सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और फिर एक कोरोना से भी हम उस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वैक्सीन को लेकर भी वैसी परिस्थितियां अगर किसी ने भी बनाई या किसी के ये सिर्फ राजनीति करने की वजह से ये स्थिति बनी, एक भी डोज अगर बर्बाद हो रही है तो उसके लिए वाकई वो जवाबदेह होना चाहिए और समझना चाहिए कि कोरोना किसी पार्टी और पार्टी के नेता को देखकर नहीं आता या उसका संक्रमण परिवार को इस हिसाब से नहीं संक्रमित करता है कि वो फला पार्टी का उसको छोड़ दो और ये फला पार्टी का उसको पकड़ लो, ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। डॉक्टर नागेश वाष्णेय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर नागेश वाष्णेय, एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत जो कि इन तमाम चीजों से हमेशा से जूझता रहा और जब भी ऐसी आपदा आई, प्राकृतिक या फिर कृत्रिम, हमने मिलकर ही लड़ाई लड़ी है, ये हमारे संस्कार है। मौजूदा दौर में एक और चीज इस पर मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, फिर से मैं उसको ले आता हूं कि एक तरफ कोरोना, कोरोना के बीच में भ्रम, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में असमंजस और फिर ब्लैक फंगस। ये जो ब्लैक फंगस का केस है या इस तरीके के केसेस हैं, आमतौर पर ज्यादा किसके अंदर प्रवेश होता हो सकता है या संभावना होती है इस फंगस के आने की,
और अगर उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर गया, केसेस धीरे धीरे सामने आने लगे, तो किस रोडमैप पर आप लोग काम कर रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस अभी नया नई कोई बीमारी है, पहले से भी इस टाइप के केस काफी रहे हैं, और खास तौर से जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं उनके पास काफी साइनोसाइटिस के केस करके आते हैं ब्लैक फंगस, जिनको डायबिटीज होती है, या काफी लोग आपने देखा होगा मरीज स्टेरॉइड खा रहे होते हैं किसी झोला छाप डॉक्टर या अनएजुकेटेड डॉक्टर की सलाह पर, उन लोगों में ब्लैक ये ब्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस होने की संभावना काफी होती है। तो हमें ये सावधानियां रखनी है कि अपना जो डायबिटीज का कंट्रोल है एकदम सुनिश्चित रखें, हमारी डायबिटीज बढ़ने ना पाए, पूरी हाइजीन से रहें, हम डबल मास्क पहन के चलें, और अक्सर एक संदेश है मरीजों के लिए जो घर पे रह के ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, तो हम गलती करते हैं कि नॉर्मल पानी इस्तेमाल ना करें ऑक्सीजन के ह्यूमिडिफाई के लिए, उसके लिए डिस्टिल वाटर अलग से आता है, आपको उसको यूज करना चाहिए, और जो ट्यूबिंग्स हैं उनको बीच बीच में बदल के स्टरलाइज करते रहें, और कभी भी नई किसी मरीज पे यदि हम जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज किया वो मरीज सही हो गया और हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दूसरे मरीज को देना है तो ट्यूबिंग्स वगैरह पूरी नई चेंज करके ही लगाना है। चलिए, तो ये कुछ सुझाव हैं जो कि डॉक्टर नागेश वाष्णेय दे रहे हैं कि ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है, लेकिन आज की स्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में, जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम मरीजों को स्टेरॉइड दिया जाता है या फिर ऑक्सीजन कंटिन्यू रखा जाता है, तो चांसेस वहां पर हो जाते हैं और कई बीमारियां जो कि उनको पहले से हैं उसमें इम्यूनिटी के वजह से भी उन पर इसका प्रकोप आता है, लेकिन आप उसका कैसे सिम्टम देख सकते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसका संक्रमित हो गए उससे तो फिर डॉक्टर से आप कैसे सलाह ले सकते हैं, ये समझना जरूरी होगा। दर्शक भी हमारे साथ जुड़कर अपना सवाल ले सकते हैं। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, जो मौजूदा दौर में सबसे अहम चीज है, एक तरफ वैक्सीन की तरफ आपाधापी भागने की दौड़ और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि अभी भी वो चाहे शहर के अंदर हो, खास तौर से शहर नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल कस्बे, वहां पर लोग अगर सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, उनको सिम्टम्स आ रहे हैं इस तरीके के, तो वो घर में आइसोलेट तो हो जा रहे हैं, ये अच्छा है कि वो आइसोलेट हो जा रहा है क्योंकि आइसोलेशन ही सबसे अच्छा बचाव है, लेकिन कई बार वो आइसोलेट होकर उसकी नेग्लिजेंस कर दे रहे हैं जो सिम्टम्स हैं और वहां पर खतरा बढ़ जा रहा है। जी अमिताभ जी, सवाल आपने सुन लिया तो जवाब भी देंगे सर? हाँ, मैं थोड़ा सा ऑडियो खत्म हो गया था। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के साथ जो है वो 3 हफ्ते का पीरियड जो है बहुत ही क्रूशियल होता है। पहले हफ्ते अगर आप प्रॉपर इलाज कर लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो बचना आपके हाथ में है। दूसरे हफ्ते में आपको डॉक्टर के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, और तीसरे हफ्ते में कोरोना आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो नेग्लिजेंस जो है वो सबसे बड़ा खतरा है कोरोना के साथ में। अगर कोई भी सिम्टम आता है इस तरह का, तो सबसे पहले क्योंकि ये महामारी का दौर है, हम कोरोना को सोचकर उसको देखते हैं। अभी क्या है कि आरटीपीसीआर भी कई बार निगेटिव आता है फिर भी कोरोना होता है, तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट जैसे डी डाइमर हुआ और तमाम सारे टेस्ट हैं जो करा के हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को किस हद तक डिजीज है या कि कोई और बीमारी है। क्योंकि महामारी चल रही है, इससे सबसे पहले हमारा दिमाग जो है वो कोरोना के ऊपर ही जाता है। और ठीक है अमिताभ जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और दर्शक बिहार से हमारे साथ सैंकी जुड़े हैं। बताइए सैंकी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरी मदर को SLE है, सिस्टमेटिक ल्यूपस सिंड्रोम। तो हेलो जी, जी बोलिए सैंकी, बोलिए। सर वो ल्यूपस है तो वो मतलब स्टेरॉइड ले रही है 20 साल से, तो क्या वो मतलब कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले सकती है? ठीक है डॉक्टर नागेश, इसका जवाब आप देंगे। हेलो नागेश जी, आवाज आप तक पहुंची दर्शक की? हेलो डॉक्टर अमिताभ, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि स्टेरॉयड लेने से, और जो कि एसएलई इन्होंने बताया वो खुद भी एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि ब्लड में होती है वो सप्रेस होती है। वैक्सीन का उतना असर नहीं मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन वैक्सीन लेने का ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। नहीं तो मैं फिर से नागेश अमिताभ जी इसको समझना चाह रहा हूं, जो सैंकी का सवाल है, आपने कहा कि हाँ संभावना है कि आप ले सकते हैं, लेकिन क्या क्लियर पिक्चर है कि वो ले सकते हैं अपनी मदर के लिए वैक्सीन, वो लगवा सकती हैं? वैक्सीन लेने में कोई उनको एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है, पर चूंकि इम्यूनो सप्रेशन किया गया है इसकी वजह से उनकी जो ह्यूमरल, देखिए अपनी इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक तो एंटीबॉडीज बनती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, और एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है। तो सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो काम कर सकती है, और उसको एक तरह से हम वैक्सीनेशन में, आप जानते हैं वैक्सीनेशन में एंटीजन दे के बॉडी को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि ये दुश्मन आएगा तो आप कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो ट्रेनिंग हम सेलुलर इम्यूनिटी को जरूर दे सकते हैं, और वैक्सीन लेने में ये बात सही है कि इनकी माताजी को उतना फायदा नहीं होगा जितना कि एक आम जनता में होता है, लेकिन फिर भी इन्हें लेने में कोई बुराई नहीं है। सैंकी, बहुत स्पष्ट तौर पर जो डॉक्टर अमिताभ ने कहा है, आप अपनी मदर को वैक्सीन लगवाएं, चांसेस कम होते हैं फायदे के इस तरह के केसेस में, जिस तरह की बीमारी से वो जूझ रही हैं। आपने कहा कि लगभग 20 साल से वो स्टेरॉयड ले रही हैं, यूट्रस की समस्या से, सिंड्रोम से वो जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर अमिताभ का सजेशन है कि आप वैक्सीन जरूर उनको लगवाएं, कम से कम कुछ खतरा तो कम होगा ही, क्योंकि अलग बीमारी से और इस तरह की बीमारी से वो जूझ रही हैं जहां पर स्थिति ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप वैक्सीन के लिए जाएं, डॉक्टर से आप सलाह वहां पर लें, वो आपको जो सजेस्ट करेंगे, और जैसा डॉक्टर अमिताभ ने भी सजेस्ट किया कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि खतरा है कि आप वैक्सीन नहीं ही लगवाएं अपने मदर को, आप जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया संकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नागेश, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हेलो नागेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ। नागेश जी, कुछ इस तरीके की बीमारियां हैं जिसमें वाकई वैक्सीन का कोई असर नहीं है या फिर वैक्सीन वो नहीं लगवा सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की और हर परिवार के अंदर के लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। कई तो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, कल मेरे साथ एक दर्शक जुड़े थे, उनका कहना था कि मेरी मदर को टेंशन है, वो टेंशन का इलाज करा रही हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि इस वक्त वैक्सीन नहीं लग रही है, सबसे बड़ी टेंशन ये है, आप मदर के टेंशन की वजह से उनको मत लगवाइए, ऐसा नहीं है, आप जरूर लगवाइए, लेकिन कुछ लोगों की वास्तविक दिक्कतें हैं, जैसा एक दर्शक अभी जुड़े। नागेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अमिताभ जी, सवाल का जवाब आप ही दे दें। मैं ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एलर्जी जो कि वैक्सीन के कॉन्स्टिट्यूएंट से हो वो एक कंट्राइंडिकेशन है, बाकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि आपको वैक्सीन लगवाने से मना किया गया हो। बिकॉज कोरोना खुद में एक बड़ी भयंकर बीमारी है, तो अगर उससे हमारा बचाव हो सकता है तो हमें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन, जिसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, वो एक कंट्राइंडिकेशन जरूर है। ठीक है, राहुल पांडे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी और नागेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल पांडे बताइए, बनारस से आप जुड़े? हाँ सर, मैं बनारस से यूपी से हूँ सर। हमारी उम्र सर जी 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 हमारी उम्र सर जो 62 वर्ष है सर जी, और मैं पुलिस विभाग से रिटायर हुआ हूँ सर जी, और रोज योगा मैं करता हूँ सर, प्राणायाम करता हूँ सर, तो क्या हमको वैक्सीन लगाना जरूरी है सर? सर बिल्कुल लगवाना चाहिए सर, योग का तो अपना प्रभाव होता ही है, लेकिन वैक्सीन तो लगवाना चाहिए। एक पत्रकार के तौर पर कम से कम मैं इतना सुझाव दे सकता हूँ, आप बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर से ही आपके सवाल का जवाब दिलाता हूँ। अमिताभ जी, एक ऐसा शख्स जो कि 62 वर्ष की उम्र में है, फिट है, योग करते हैं,
और उनका कहना है कि मैं क्यों लगवाऊं वैक्सीन या मुझे लगवाना ही चाहिए क्या? हाँ, वैक्सीन इसलिए लगवाना जरूरी है, मैंने अभी पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि वैक्सीन एक तरह का ट्रेनिंग है बॉडी को एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करने के लिए। तो योगा और प्राणायाम और तमाम सारे आजकल जो काढ़ा वाढ़ा चल रहे हैं ये जनरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पर जो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक वैक्सीन देता है बॉडी को वो नहीं देते हैं। तो उस ट्रेनिंग के लिए, उस एंटीजन से साबका पड़े, इसके लिए आप पुलिस में हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो दर्शक हमारे साथ थे बनारस से जुड़े राहुल, उनका कहना था कि वो इस विभाग से रिटायर हुए हैं, वो डेली योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो डॉक्टर अमिताभ उनको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जब वो उस विभाग का हिस्सा थे तो वहां पर भी उनको ट्रेनिंग दी गई होगी और उस ट्रेनिंग को नियमित तौर पर उन्होंने किया होगा, लेकिन आज जब वैक्सीन की बात होती है तो उनके अंदर ये भ्रम आ रहा है कि मैं क्यों लूं। आप फिट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी फिट हो और आगे भी फिट रहे, कोरोना से लड़ने में उसकी क्षमता और बढ़ जाए, इसके लिए वैक्सीन जरूरी है, आप जरूर लें वैक्सीन। डॉक्टर नागेश, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? नागेश जी, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका मानना है कि मैं तो फिट हूं, मैं पूरी तरह से फिट हूं, मैं योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, जिम करता हूं, वॉक करता हूं, वैक्सीन की मुझे जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि ठीक वैसा ही है जैसा इस देश में जब वैक्सीन बनी और 45 प्लस के लोगों को लगनी शुरू हुई तो वो उत्सुकता नहीं थी लोगों में, क्योंकि उन लोगों ने मान लिया था कि कोरोना ऑलमोस्ट गया, वैक्सीन आई गई है, देखेंगे जब मन होगा लगवा लेंगे। लेकिन आज कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं क्यों लगवाएं। नागेश जी, बिल्कुल नहीं, वैक्सीन तो लगवानी चाहिए, किसी को भी मना नहीं है, मतलब जो आप सरकार में 6 साल से ऊपर की आप लगवा सकते हैं। और इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जो पिछली जो वेव आई थी पहली लहर, उसमें हमारे पहले डॉक्टर्स संक्रमित हुए थे कोरोना, और इस समय की हम वेव देखेंगे और काफी लोग इलाज कर रहे हैं, और इस समय शायद मुझे लगा है कि कुछ ही लोग संक्रमित हुए हैं जो कोरोना, तो वो इसीलिए बचे हुए हैं कि उनके वैक्सीन की डोज लगी हुई है। तो वैक्सीन से घबराना नहीं है, वैक्सीन लगवानी है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि वैक्सीन से घबराना नहीं है और भ्रम में भी नहीं रहना है। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग सशंकित हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम क्यों लगवाएं, हम फिट हैं। आप सबको लगवाना है, अभी डिमांड हो रही है कि भाई 12 प्लस वालों को भी लगवाना शुरू कर दिया जाए, बहुत सारे देशों में गर्भवती महिलाओं के लिए भी, यूके की अगर हम बात करें तो वहां पर जो वैक्सीन है वो उनको दी जा रही है, हमारे यहां पर वो नहीं दी जा सकती है, ये उनकी बाध्यता है। उन महिलाओं की भी क्या अगर आप पीड़ा समझेंगे तो कैसे समझेंगे? तो जो कम से कम एलिजिबल हैं वो जरूर लगवाएं, वो भ्रमित ना रहे। एक दर्शक हमारे साथ इंद्रेश जोड़ रहा है, इंद्रेश बताइए क्या सवाल है आपका? सर, हमारी माता जी को 10-15 दिन पहले बुखार आया था, टाइफाइड जी, और उनको अभी 2-3 दिन पहले मतलब दस्त हुए और उनको हल्का सा बुखार हुआ था, तो अब उनकी तबीयत नॉर्मल है, क्या वैक्सीन ले सकते हैं? ठीक है इंद्रेश, जो बुखार हुआ था वो टाइफाइड ही था, ये कैसे पता कि आपने जांच कराई थी? जी सर, जांच कराई थी। ठीक है डॉक्टर नागेश, आप अगर इसका जवाब दें, और ये बड़ा कॉमन सवाल निकल कर आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ हमारे घर में अगर ऐसा हुआ तो वो टाइफाइड था और फिर उसके बाद इस तरीके के सिम्टम, दस्त आना या फिर तमाम और तरह के सिम्टम, और अब वो पूरी तरह से ठीक है? क्योंकि देखिए इस समय जो ऐसा समय चल रहा है कि जितने ही बुखार आ रहे हैं वो हम लगभग सबको कोविड ही मान के चल रहे हैं, और काफी मरीजों में मैंने ऐसे देखा भी है जान पहचान वाले में, तो उनको कोविड भी था और उन्होंने टाइफाइड का चेकअप कराया तो टाइफाइड भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले इनको माता जी का एक बार कंफर्म करा लेना चाहिए कि वाकई में कोविड हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद ही हमें कुछ सोचना पड़ेगा। डॉक्टर नागेश, इसी में एक सवाल और मैं जोड़ूंगा जो कि इंद्रेश का सवाल था। आपने कहा कि उनकी माताजी का वो टेस्ट कराएं उसके बाद फिर देखें, लेकिन 15 दिन का वक्त बीत चुका है, वो चाहे टाइफाइड रहा हो या कोविड रहा हो, क्योंकि जिस तरीके के सिम्टम है मैं खुद समझ पा रहा हूं कि बहुत संभव वो संक्रमित कोविड से भी हुई है। अब वो वैक्सीन अगर लेना चाहें तो जांच कराने जाएं उसके बाद ही वैक्सीन लें,
या अगर 5-7 दिन वो रुककर वैक्सीन लेना चाहे तो ले सकती हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा था कि जो हमने इस समय काफी चेकअप हुए तो इनकी जो आपस में क्रॉस रिएक्टिविटी आई है कि जिनको कोविड था उनको टाइफाइड पॉजिटिव भी आया है रिजल्ट भी, तो मेरे हिसाब से जो अभी इनको थोड़ा रुकना चाहिए और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो इंद्रेश जी आप कम से कम इतना जरूर करें कि अपने माताजी का चेकअप आप करा लें, बहुत संभव वो कोविड पॉजिटिव भी रही हो, क्योंकि जो सिम्टम्स आपने बताए वो मैं भी जितना समझ सकता हूं उतने समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि वो कोरोना से संक्रमित हुई हो, दस्ताना या फिर इस तरीके के सिम्टम्स, ये कोविड के इस बार के म्यूटेशन में सिम्टम्स हैं। लेकिन आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें, वो अगर आपको जांच की बात कहते हैं जांच कराते हैं, जांच हो जाने दें और उसके बाद वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई शंका नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, लेकिन एक बार जांच करा लें, थोड़ा सा रुक लें, डॉक्टर से सलाह आप जरूर ले लें। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, जो इस वक्त सबसे अहम चीज हमने देखी बार बार वैक्सीन को लेकर ही एक आम आदमी का सवाल है, वो क्यों लगवाए, वो क्यों न लगवाए, वो लगवाए तो कौन सी वाली लगवाए, उसमें परसेंटेज क्या है कि वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि आप डबल डोज लेने के बाद भी संक्रमित नहीं हो सकते, आप तब भी संक्रमित हो सकते हैं, हाँ खतरा कम हो जाएगा, ये बात लोग समझना चाह रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ, मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन से आपको 80-90% तक कवरेज मिलता है, ये कोरोना का इन्फेक्शन नहीं रोकती है, बट इन्फेक्शन होने के बाद उसके असर को कम करती है। बिल्कुल, और हर नया इन्फेक्शन खुद में एक तरह से वैक्सीन का काम करता है, क्योंकि वो खुद एक एंटीजन है और वो शरीर में एंटीबॉडी रेस्पॉन्सेस बनाता है। तो वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए काफी तैयार हो जाती है, और अगर हम उसको डिटेल में जाकर देखें तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक्चुअली 2-3 फैक्टर हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन बनी है, और कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, जिसमें कि एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन एक फैक्टर है जिसके खिलाफ इम्यूनिटी आपको तभी मिलती है जब एक्चुअल वायरस के साथ आपका इन्फेक्शन हो जाता है जी, क्योंकि उसके खिलाफ अभी वैक्सीन कोई बनी नहीं है। बाकी जो वैक्सीन में फैक्टर्स हैं वो हैं जो वायरस के प्रोग्रेशन को रोकते हैं, बढ़ने से रोकते हैं, उसका असर कम करते हैं। तो इन्फेक्शन से तो वैक्सीन नहीं रोकती, बट आपको लड़ने के लिए काफी ताकत, बिल्कुल बिल्कुल, आपके शरीर को लड़ने के लायक बनाती है, क्षमता आपकी बढ़ाती है, खास तौर से वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कम है, उनके लिए और ज्यादा प्राथमिकता है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, इस भ्रम में ना रहे कि वो इस बीमारी का शिकार है वैक्सीन की वजह से ऐसा होगा। और जैसा डॉक्टर अमिताभ ने अपने पहले कमेंट में कहा था, ये बहुत दुखद स्थिति है, ये अपने आप में दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस देश का, जहां पर नेता अपनी गंदी राजनीति के लिए वैक्सीन को लेकर भी भ्रम फैलाते हैं और बाद में खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवा लेते हैं। उन लोगों से आप बचिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागेश वाष्णेय आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ओपीडी में सही जानकारी, सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो डॉक्टरों पर भरोसा करें, डॉक्टरों से सलाह लें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो वैक्सीन लगने के बाद आते हैं, वहां पर आप डरे नहीं, बुखार आना, खांसी आना या फिर जुखाम होना, उसका मतलब यह होता है कि आपकी बॉडी कम से कम रिएक्ट तो कर रही है, वरना मुर्दों की बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो परिस्थिति है उसमें वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए अक्षम हैं या फिर उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही, सरकार अपने स्तर पर उसका प्रयास कर रही। तो सही जानकारी रखें, भ्रम खुद ना फैलाएं, खुद भ्रमित ना हो और लोगों को भी भ्रमित ना होने दें। नमस्कार।